संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। अठानवी आबादी के थ्रू मोदी सरकार किसान एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। पंजाब के अलग अलग जगहों पर किसान जत्थेबंदियों की ओर से पंजाब व केंद्र सरकार के खिलाफ रेलवे चक्का जाम किया गया। ऐसा ही कुछ देखने को मिला पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन पर, जहां खड़ी कामाख्या एक्सप्रेस धरने के चलते 4 बजे तक नहीं चलेगी। इस संबंधी प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पंजाब सरकार किसानों की खराब हुई फसलों का मुआवजा नहीं दे रही है, वहीं केंद्र सरकार भी कट लगाकर किसानों पर बोझ डाल रही है, जिसके रोष स्वरूप उन्होंने 4 बजे तक धरना दे के गाड़ियां रोकी हैं। मेरा शुभ नाम है संदीप ढोल, मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूं और एनजीपी से मैं चली हूं। 2-3 दिन का सफ़र है, बच्चा है ट्रेन में। ये कोई तरीका नहीं है प्रोटेस्ट करने का। और जितना सारा मैं भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग्स करती हूं, ये जो हमको दिखाई दिया, ये जो प्रोटेस्ट करने वाला है, ज़्यादातर आदमी इस पर वो अपने आप को किसान बोल रहा है। ये हमारा जितना समझदारी है, इसमें 50% किसान है, बाकी जो आदमी है ये सब बेकार का आदमी है, ये सब अगवा फैलाने के लिए ये सब कर रहा है। ये ट्रेन कहाँ? कामाख्या से माता वैष्णव देवी जा रहे हैं और हम लोग मतलब ये माता वैष्णव देवी दर्शन करने के लिए आए। बहुत परेशान हूँ मैं, ठीक है ना। और इसमें हमारा ख्याल से इसमें पॉलिटिकल पार्टी जो है, यहाँ का जो सरकार है, उनका मदद है, बोल के ये कर सकता है, नहीं तो नहीं। अभी आप सरकार से क्या मांग करते हैं? हम सरकार से मांग करने से क्या फ़ायदा, जो करवाता है उसे मांगने से क्या फ़ायदा होगा। हम तो मांगते हैं, हम तो चाहते हैं कि तुरंत इसको खोले और इतना जो आदमी का परेशानी है, बच्चा है, बुजुर्ग है, इनका परेशानी दूर करे और हम लोग को ट्रेन को आगे बढ़ने दें। जी अमरनाथ हाँ जी, मैं अमृतसर तो आया, बड़ा परेशान हो डे महाराज, बहुत ज्यादा परेशान। कितने जाना जी तुम्हें? अभी कटड़ा जाना है। ठीक है, हूँ कितने खड़े हो? हूँ पठानकोट स्टेशन से खड़े हैं। क्यों खड़े हो? किसान अंदोलन करते जी। सर की कहना चाहोगे सरकार? कहना चाहवा भी इन्हों का मसला हल कर, पब्लिक में परेशानी ना हो। हाँ जी सर, अज का जरा रोष प्रदर्शन है, किस बात गल में लैके किया जा रहा? अज का जरा रोष प्रदर्शन है, पंजाब दी संयुक्त किसान मोर्चा के फैसले अनुसार है कि दोनों सरकारां जिहड़ियां ने, पंजाब ते केंद्र सरकार, वो किसानां दे हितैषी नहीं रहियां, वो किसानी दे नाल खह रहियां ने और किसानी नूं उजाड़ा करके मल्टीनेशनल कंपनियां दी जिहड़ी है वो किसानी करवाउणा चाहुंदियां ने। इस करके ये फैसला किया गया सी कि असीं ये दोनों सरकारां नूं चेतावनी देण दे रूप दे विच 18 अप्रैल 2023 पूरे पंजाब दे विच 4 घंटे लई रेलों का जिहड़ा चक्का जाम करांगे, 12 to 4 बजे तक। और उस लाइन दे उस कड़ी दे तहत अज असीं पठानकोट दे कैंट रेलवे स्टेशन ते जाम लाया होया, तुहाडे सामने गड्डियां रुकियां ते इहदे बारे दे विच जिहड़ियां मंगां ने जिहड़ियां उह साडियां सिर्फ 2 मंगां ने जिहड़ियां फिलहाल इस समय किसान दे उत्ते कुदरती कुरूपी पई है उहदे संबंध च ने। हाँ जी, अज का धरना जिहड़ा संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल के उत्ते 4 घंटे का 12 to 4 बजे तक दिता जा रहा, ये मेन तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ मेन तौर पर है, क्योंकि सेंट्रल सरकार जी है अपने किए वायदे जो पिछले साल मतलब दिल्ली बार्डर के उत्ते किसान 1 साल 13 महीने बैठा सीगा, उहदे जिहड़े वायदे किए से उस तो मुकर रहा, MSP तो मुकर रहा और MSP तो साढ़े जरा कुदरत का मतलब इतने कहर वापरिया किसानों के उत्ते, बजाय उन्होंने मुआवजा देने की उत्थे सेंटर ने होर जरा कट जरा 18% कट जरा वो किसानों के उत्ते लाता है। असी उस किसानों का 18% ला रहा उस कट नहीं लगना चाहिए, जिदा की फसल कुदरत ने पैदा की है वो पूरे MSP रेट के उत्ते चुकी जानी चाहिए है, वह 1 भी पैसा जरा कट्टा नहीं जाना।